मतलब यूएस आर्मी क्लेम करती है कि उन्हें यूएफओस का सबूत मिल गया है, लेकिन अगले ही दिन यूएस आर्मी के ऑफिशियल्स अपनी बात से पलट जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो मलबा हमारे पास लाया गया है ये एक्चुअली में एक वेदर बलून का है। प्रूफ के तौर पे मेजर मार्शल की फोटोज रिलीज करी जाती हैं, जहां पर वो इस वेदर बैलून के पीसेस के साथ दिखाई देते हैं। इसके बाद ये खबर ठंडी पड़ जाती है। मीडिया को लगता है यहां पर कोई यूएफओ नहीं है, बस ये तो एक वेदर बैलून ही था, और जनता भी अपना इंटरेस्ट लूज कर देती है। लेकिन कई साल बाद जाकर लेट 1970s में एक बार फिर से र्यूमर्स फैलने लगते हैं कि न्यू मेक्सिको डेजर्ट के ऊपर एक एलियन क्राफ्ट उड़ता हुआ दिखा है। अफवाहों में कहा जाता है कि इस यूएफओ पर एक बिजली कड़की, जिसके बाद ये यूएफओ जाकर क्रैश कर गया और यहाँ बैठे जो भी एलियंस थे वो सब मारे गए। साल 1980 में मेजर मार्शल जाकर एक किताब लिखते हैं द रॉजवेल इंसिडेंट नाम से, और कहते हैं कि जो मलबा इन्होंने देखा वो कुछ ऐसा नहीं था जो धरती पर बना हो, वो धरती का लग ही नहीं रहा था। और तब से लेके आज तक रॉजवेल इंसिडेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाती है, नई थ्योरीज उभर कर आती हैं। लोग कहते हैं कि ये जो क्रैश हुआ था यूएफओ का, एक्चुअली में यहाँ पर एक जिंदा एलियन पाया गया था। यूएस